हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. जय स्वामीनारायण. टुडे वी विल लर्न अबाउट लेक्चर नंबर 4 एंड टुडेज टॉपिक नेम इज वॉइस पैटर्न, रेटिना बायोमेट्रिक पैटर्न, हैंड पैटर्न बायोमेट्रिक सिस्टम, की स्ट्रोक बायोमेट्रिक सिस्टम एंड फिजिकल बैरियर्स. ओके, ये जो 5 टॉपिक है 2.3 के, वो आज हमें देखना है और यहाँ पे हमारा जो 2.3 टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. वॉइस पैटर्न, व्हाट इज वॉइस पैटर्न? तो वॉइस ऑथेंटिकेशन इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन डेट रिलाइज ऑन अ पर्सन्स यूनिक वॉइस पैटर्न फॉर आइडेंटिफिकेशन इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस. दिस टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्स अ डिवाइस डेट कैन कैप्चर अ पर्सन वॉइस वेरी एक्यूरेटली एंड सॉफ्टवेयर डेट कैन रिकोनाइज द पैटर्न्स ऑफ द वॉइस एंड कंपेयर इट टू ऑलरेडी रिकोनाइज पैटर्न. वॉइस ऑथेंटिकेशन इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बायोमेट्रिक, वॉइस आईडी और स्पीकर रिकॉग्निशन. ओके, तो वॉइस पैटर्न क्या है? तो मैं इस फिगर थ्रू आपको दिखाना चाहती हूँ कि अभी ये एक सॉफ्टवेयर में कंपेबिलिटी, यानी कि एक क्रोम का मींस के गूगल का वॉइस पैटर्न है, सर्च है, इंस्टा का सर्च है, एफबी का सर्च है, जीमेल का ऐसा आता है. वो जिसने भी मींस के ये चला आ रहा है पहले से, तो ये वॉइस पैटर्न में क्या होता है कि वॉइस पैटर्न में आपने देखा होगा कि सिंपल आप यहाँ पे टच करके बोलते हो. तो क्या होता है, टच करते करके आप बोलते हो कि प्ले म्यूजिक. ओके, तो वो तुरंत क्या ले लेता है, वो अपने जो असिस्टेंट जो होता है, यानी कि जो वॉइस रिकॉग्निशन होता है, उसके अंदर उसे ले लेता है और फिर क्या करता है, उसे छोटे छोटे, ओके, यानी कि उसके जो छोटे छोटे आप जो बोलते हो एक वे में जाता है. ओके, तो आप जो बोलते हो वो आपके पीछे से जो बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आती है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो वॉइस रिकॉग्निशन में डाल देता है. फिर मैंने बोला कि प्ले म्यूजिक, तो वो क्या करेगा, पी एल ए वाई एम यू एस आई सी, उसके जो पीछे से जो बैकग्राउंड में जो तरह तरह के आवाज आ रही थी उसे वो निकाल देगा. वो किस एनालॉग थ्रू, तो एडीसी जो एनालॉग होती है उसके थ्रू जो पीछे से जो आवाज आ रही है उसे निकाल देगा और आपने जो भी बोला है वो तुरंत आपकी डिस्प्ले पे आ जाएगा. वो चाहे आपने एंड्रॉयड फ़ोन से बोला हो, गूगल के जो असिस्टेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है उसके अंदर बोला हो, जिसके भी अंदर बोला हो, उसके अंदर वो आपको जो होते हैं वो आपने जो बोला होता है वो आपको तुरंत दिखा देता है. इसे वॉइस रिकॉग्निशन पैटर्न कहते हैं. उसके हम अलग से जानते हैं तो वो है, दूसरे भी नाम है जैसे कि वॉइस आईडी, स्पीकर रिकॉग्निशन, वॉइस बायोमेट्रिक. ओके, तो ये जो सिस्टम में जा रहा है ये एडीसी एनालॉग को क्या करेगा कि डिजिटल एनालॉग में कन्वर्ट करेगा. आप जो भी बोलते हो, जो भी वर्ड्स बोलते हो, उसके 1000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े करके उसके टुकड़े कर देंगे और उसके पीछे से जो भी आवाज़ आ रही है उसे निकाल देगा और आपने जो बोला है तुरंत ही वो फटाफट आपकी डिस्प्ले पर क्या मींस के डिस्प्ले पे आ जाएगा कि आपने क्या बोला था, आप क्या सर्च कर रहे हो. उसे वॉइस पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे, तो इस तरह से जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम होती है वो वर्क करती है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेटिनल बायोमेट्रिक पैटर्न. ओके, सेम टू हमने आगे देखा था कि आई राइस पैटर्न उसके जैसी है, पर किस तरह से वर्क करती है वो हमें देखना है. तो रेटिना स्कैनिंग इज अ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी डेट यूज एन इमेज ऑफ एन इंडिविजुअल रेटिनल ब्लड विजुअल पैटर्न एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेट ट्रेट
for access to secure installation. Retina scan are about 17 times more accurate than ICRI scans and 20,000 times more accurate than fingerprint based method. Okay, तो ये जो image है वो retinal biometric pattern की है. ये हमारी आँख के अंदर होती है. हमने आइस राइस पैटर्न में क्या देखा था कि हमारी आंखों से इमेज कैप्चर करता है तब आपकी सिस्टम अनलॉक होती है. इसमें भी ऐसा है, पर आइस राइस स्कैनर में क्या होता है कि हमारे जो आंख में जो वाइट हिस्सा होता है उसके बीच में एक ब्लैक सा हिस्सा होता है और उसके अंदर जो छोटा सा ब्लैक का डॉट होता है इसके थ्रू आपके उसकी इमेज ली जाती है और आपका जो प्रिंट मींस के जो स्कैनर है जो सॉफ्टवेयर है वो आपको सिस्टम में लॉक करने का मींस के परमिशन देती है अगर मैच होती है तो. पर रेटिनल क्या है कि रेटिनल है 17 टाइम्स जो है आइस राइ स्कैन और 20,000 टाइम्स मोर यानी कि 20,000 से भी ज़्यादा फिंगरप्रिंट से भी ज़्यादा ये रेटिनल बायोमेट्रिक पैटर्न है वो सेफ है यानी कि एक्यूरेट है. तो इसमें क्या होता है कि हमारी आँख में जिसे हम गुजराती वर्ड्स में कहते हैं कि मांसपेशियों रक्तवाहिनी होती है हमारी आंखों के पीछे. आपने देखा होगा कि आंख में आपको कुछ रेड कलर की आपको कुछ दिखाई देती है. ये जो मैं यहाँ पे ये जो क्लिक हो रहा है ये जो सब्जी रेड कलर की देख रही है उसका स्कैन होता है और फिर आपकी सिस्टम ओपन होती है और आपको आपकी सिस्टम पे वर्क करने का मैच करती सॉरी के वर्क करने का परमिशन देती. आइस राइस में क्या होता था आपकी आंखों के जो बीच में जो डॉट होता था उसकी इमेज कैप्चर करके लॉगिंग करके अगर मैच होती थी तो परमिशन देते थे. और रेटिनल में क्या होता है कि हमारी आंखों की जो मांसपेशी यानी कि रक्तवाहिनी होती है उसे स्कैन करके हम रजिस्टर थ्रू लॉगिंग कर सकते है सिस्टम में. अगर मैच हो जाती है तो ही आप वर्क कर सकते हैं. हाउ इट्स वर्क, ये कैसे वर्क करेगा. तो रेटिनल स्कैन इज परफॉर्म बाय कास्टिंग एंड प्रीसिव बीम ऑफ लो एनर्जी इन्फ्रारेड लाइट इनटू अ पर्सन आई एज दे लुक थ्रू द स्कैनर आई स्पीक दिस बीम ऑफ लाइट रेस अ स्टैंडर्डाइज पाथ ऑन द रेटिना. यानी कि इसके थ्रू हमारी आंखों में क्या होता है कि जो लाइट की जो मीन्स के जो स्कैनर की जो लाइट होती है वो हमारी आंखों में क्या करते हैं डालते हैं और उसके थ्रू जो हमारी मांसपेशियाँ होती है उसकी इमेज ले जाती है और इस तरह से ये जो है वो वर्क करता है. नेक्स्ट आएगा हैंड पैटर्न बायोमेट्रिक सिस्टम. एज इन द केस ऑफ फिंगरप्रिंट एवरीबडी हैज यूनिक हैंड प्रिंट. ओके, यानी कि सबकी फिंगरप्रिंट हर एक पर्सन की फिंगर जो हैंड प्रिंट होती है फिंगरप्रिंट होती है वो अलग अलग होते हैं. ठीक है, अ हैंड प्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम स्कैन हैंड एंड फिंगर द डेटा इज कंपेयर विद द स्पेसिमिन स्टोर फॉर इन द सिस्टम. ओके, यानी कि हैंड प्रिंट में क्या होता है सिर्फ फिंगरप्रिंट में हम सिर्फ फिंगर ही मीन्स के स्कैन कराते थे पर हैंड प्रिंट में क्या होगा आपका हैंड और आपकी जो फिंगर है वो स्कैन होगी अगर वो कंपेयर तो मीन्स के जो मैच होती है अपने डेटा के साथ अपने सिस्टम में वो स्टोर हो जाएगी और जो रिजल्ट आता है और जो मैच हो जाती है आपके हैंड एंड फिंगर का जो डेटा है वो मैच हो जाता है तो ही ये ओपन होती है. सपोज के हम इसे स्कैन कैसे करवाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे का पूरा हैंड रखा हुआ है. अगर आपकी जो हैंड यानी कि जो पाम होती है यानी कि हथेड़ी और आपकी जो फिंगर ये दोनों का ही डेटा अगर मैच हो जाता है कंपेरेटली और आपकी सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो डेटा स्टोर हो जाएगा और आप जब दूसरी बार मैच मीन्स के ओपन करना चाहते हो तो अगर दूसरी बार भी मैच होता है तो ही आपका जो सिस्टम है वो ओपन होगा. नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक चार्ट दूसरा भी लिया है कि
ये जितने भी मींस के पॉइंट है ओके आपके जो पाम के और फिंगर के वो सब स्कैन हो जाते हैं, अगर मैच होते हैं तो ही आपकी जो ये हैंड पे बायोमेट्रिक सिस्टम है वो वर्क करती है। नेक्स्ट आएगा की स्ट्रोक बायोमेट्रिक सिस्टम। ओके तो की स्ट्रोक हमें किसे बोलते हैं? ओके तो सपोज मैं सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ कि की स्ट्रोक एक सॉफ्टवेयर है और उसके थ्रू हम एक स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं जिसे आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पाइथन हो, जावा हो, .NET हो, PHP हो, कुछ भी में लैंग्वेज में आप ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसे वर्क कर मींस के आप लिख सकते हो। यानी कि इसके थ्रू यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने कीबोर्ड लिया है ओके और यहाँ से मैं कुछ टाइप कर रही हूँ। सपोज कि मैं जो भी टाइप करूँगी वो ऑटोमेटिकली जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसके डेटाबेस के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ से ए प्रेस करती हूँ तो वो ए सेव हो जाएगा। मैं दूसरी बार बी सेव मीन्स के मैं दूसरी बार बी प्रेस करती हूँ कीबोर्ड की की से तो बी सेव हो जाएगा। जब तक आप कुछ भी लिखते हो सपोज कि कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी आप लिखते हो चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो आप कुछ भी लिखते हो वो आपको मीन्स के वो सीक्रेटली सेव हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे की स्ट्रोक मीन्स के वर्क करता है। और उसके थ्रू क्या होता है कि अलग अलग जो होती है कि के पूरा एक मैच करके आपको क्या देता है कि आउटपुट देता है। इस तरह से जो की स्ट्रोक बायोमेट्रिक सिस्टम है ये इसी तरह वर्क करती है। सपोज कि आपने मुझे लिखना है कि डायनेमिक ओके तो मैं आगे पीछे कुछ भी तरह लिखूंगी ओके पर वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। पर जब आउटपुट आएगा तब ए जो पूरा का पूरा स्पेलिंग है वैसे कि वैसे आएगा। जब भी मैं कीबोर्ड से किसी भी की को चाहे प्रेस करूं पर मुझे आउटपुट में यही बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हाउ इट्स वर्क। तो की स्ट्रोक डायनेमिक टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन टाइप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड क्रिएट अ स्टेटिकली यूनिक सिग्नेचर फ्रॉम द टाइपिंग पैटर्न्स ऑफ अ पर्सन। दिस डिस्टिंक्टिव फीचर्स इंक्लूड द ड्यूरेशन फॉर विच की आर हेल्ड एंड द इलिप्सेड टाइम बिटवीन सक्सेसिव की स्ट्रोक। नेक्स्ट आएगा की फीचर्स, यानी कि इसके अंदर नो हार्डवेयर रिक्वायर, नो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, किसी की भी जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आएगा नथिंग टू कैरी लॉस और फॉरगेट, नथिंग एक्स्ट्रा टू टाइप एट लॉग ऑन, फ्लेक्सिबल एनरोलमेंट ओके ये इसके फीचर है। नेक्स्ट आएगा फिजिकल बैरिस। व्हाट इज फिजिकल बैरिस, किस टाइप की फिजिकल बैरिस होती है, यानी कि फिजिकल बैरिस यानी कि हमें किस थ्रू मीन्स के डिस्टर्बेंस होती है वो इसमें बताना है हमें। तो फिजिकल बैरिस क्या क्या होती है, तो वो होती है नॉइस, सेकंड आती है डिफेक्ट्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम, थर्ड आती है टाइम एंड डिस्टेंस, फोर्थ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम एंड फिफ्थ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉइस। तो सपोज कि नॉइस बैरियर यानी कि क्या, तो आप जब भी घर में होते हो, घर पे होते हो, मीन्स के बाहर घूमने जाते हो तो आपके आजू बाजू में कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है तो आप एक दूसरे से जो बात करते हो वो उसे सुना ही नहीं देता, उसे नॉइस बैरियर कहते हैं। ये मैंने एक इमेज ली है कि फिजिकल नॉइस अकर्स व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर ट्राई टू कम्युनिकेट इन अ सिचुएशन डेट इज नॉइस, यानी कि जो सेंडर एंड रिसीवर है जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं पर इस तरह से ज़्यादातर लाउड होने से वो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, तो उसे हम नॉइस बैरियर कहते हैं। नेक्स्ट आएगा डिस्टेंस एंड टाइम। इसमें क्या होता है, तो हम जब अलग अलग यानी कि जो डिस्टेंस में खड़े रहते हैं पीपल और बात करना चाहते हैं पर वो उसी डिस्टेंस की वजह से वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उसे भी एक टाइप का बैरियर कहते हैं।
सपोज कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि ये दो पर्सन है ऊपर नीचे घर पे रह रहे हैं, ये बुलाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं उसके साथ, पर क्या होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस होने से बात नहीं कर पाते, इसे हम डिस्टेंस बैरियर कहते हैं। नेक्स्ट आएगा फॉर एग्जांपल कि वेन योर फोन हैज़ नो सिग्नल, यानी कि आप क्या करोगे कि आप सपोज के पढ़ रहे हो, आज किसी को पढ़ा रहे हो तो आपका मोबाइल में सिग्नल नहीं है, आज आएगा तो आप क्या करोगे, इसी वजह से मीन्स के डिस्टेंस की वजह से सिग्नल नहीं आ रहा है तो भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट आएगा कि टाइम बैरियर, तो टाइम बैरियर में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इंडिया का टाइम और आउट ऑफ कंट्री का टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी हमारे सोने का टाइम हुआ है और वो यहाँ पे मीन्स के दिन होती है, आउट ऑफ कंट्री में कुछ भी जगह पे दिन होती है, तो आप बात करना वो चाहेंगे तो बात नहीं हो पाएगी टाइमिंग डिस्टेंस की वजह से, टाइमिंग बैरियर की वजह से, एक दूसरे मीन्स के पर्सन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे, उसे हम टाइमिंग बैरियर कहते हैं। यानी कि हम इंडिया में हैं, आपका कोई फ्रेंड आउट ऑफ कंट्री है, हम अभी सो जाएंगे और वहाँ पे दिन है, हमारे यहाँ पे अभी रात है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपके साथ बात करना चाहेगा पर रात होने की वजह से वो हमें कॉल नहीं कर पाएगा, हमारे साथ बात नहीं कर पाएगा, उसे हम टाइमिंग बैरियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क प्रॉब्लम, जहाँ पे मैंने बताया कि सिग्नल टेक्निकल एरर की वजह से मीन्स के नेटवर्क प्रॉब्लम तो हो जाती है। फिर नेटवर्क में क्या आता है कि पर्सनल आईडी के, सपोज आप एग्जाम्पल में कि आपने .com gmail.com मीन्स के लिखना चाहते हो पर आप ये जो डॉट है पीछे कर सकते जाते हो, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है और वो सामने वाला जो यूज़र है वो आपको क्या कर देता है कि ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट आएगा कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड में क्या होगा कि सपोज कि आपको मैं 10 नाम देती हूँ कोई भी, कि मैं आपको बोलती हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, कुछ सेंटेंस बता रही हूँ, वो आपको याद रखने हैं, जो मैं 5 to 10 आपको जो सेंटेंस देती हूँ वो आपको याद रखने हैं और मैं जब भी पूछूँ तो आपको मुझे बताना है, तो आप क्या करोगे कि 5 या 10 सेंटेंस इजीली हर एक पर्सन को याद रह सकता है, वो चाहे छोटा बच्चा हो, एजेड हो, यंगर हो, उसे याद रह सकता है, तो वो एट अ टाइम बोल सकता है, ठीक है। पर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड किसे कहते हैं, तो मैं एक ही साथ एक पर्सन को या एक बच्चे को मैं एक ही साथ 100 सेंटेंस के बोलती हूँ कि 100 नाम बताती हूँ और मैं बाद में पूछती हूँ कि तू मैंने जो बताया वो बोल, वो आपको बोलना है, तो वो क्या करेगा सामने वाला, उसे क्या 100 भी वो नहीं बता पाएगा, जितना भी याद आएगा उतना ही बता पाएगा, इसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। और इस इमेज में आप देख सकते हो कि एक्सेस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन ओवरलोड, द रिसीवर कांट कंपेयर एंड एब्स्ट्रैक्ट्स बियॉन्ड दिस मेंटल कैपेसिटी, हिज माइंड विल बी क्लोज फॉर अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ज़्यादातर काम की वजह से आप कोई पर्सन को कुछ चीज़ बताना चाहते हो, कुछ मंगाते हो, तो वो पर्सन क्या होता है कि काम के लोड की वजह से मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके माइंड पे इतना लोड आ जाता है कि आप जो भी बताते हो वो भूल जाता है, इसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं।